गाइस वेलकम बैक टू मिश्काज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हमारे यहाँ पे वैशाली की शादी है और मैं आज से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शादी का तो आधे रिचुअल्स हो ही चुके हैं। बट क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर इसलिए भी नहीं की क्योंकि पिछली जो शादी हुई थी शिब्बू की, उसमें मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। सो मुझे लगा कि वही सेम चीज़ें अगर मैं शेयर करूँगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। मैं हल्दी ब्लॉग से स्टार्ट करूँगी। सो आज एक बड़ी हल्दी है। अभी तक 4 हल्दियाँ हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पे हल्दी बहुत ज़्यादा खेली जाती है, दैट्स वाई हम हर हल्दी में बहुत गंदे होते हैं। और अभी बड़ी हल्दी अभी होना बाकी है। वैसे तो मैंने येलो कलर का सूट पहना हुआ था बट दुपट्टा ये डाला तो दुपट्टा गंदा हो गया और सूट तो पूरा गंदा है ही है। पीछे से लेके आगे तक मैं बहुत हल्दी से सनी रखी हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी शाम की 4 बजे हल्दी होगी, फिर मैं उसको तैयार करूँगी सो को शादी के लिए। सो जो भी ब्लॉग में अब आपको देखने को मिलेगा उसकी शादी का ब्लॉग, क्योंकि वो ब्लॉग भी ज़रूरी थे शेयर करना आप लोगों के साथ। अगर नहीं करती कभी वो शादीशुदा दिखती तो आप लोग बोलते कि यार इसकी शादी हो गई और आप आए नहीं। थी मैं यहाँ पे, मैं सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई, बस दैट्स इट। ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मेरी किचन में हूँ, यहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया हुआ है, यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है। मैं पापा को और इनको चाय पिला के फिर जाऊँगी तो नहाऊँगी। और नहीं यार, झाड़ू पोछा भी करना है, अभी काम पूरा डला है क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है। और थोड़े से बर्तन है अभी देखो। सुबह की चाय बन चुकी है, ये दोबारा की चाय बन रही है। सो चलिए मैं मिलती हूँ। और हाँ, बाबू भी गंदे हैं, उनको भी मिलवाती हूँ आपसे। सो बाबू ने भी बहुत सारी हल्दी खेली है तो उनको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर से, लेकिन अभी नहीं। सो देखो गाइस, हमने हल्दी खेल ली और अभी बड़ी हल्दी होना बाकी है। बहुत मजा आया। इनकी हालत देखो, पूरे ऊपर से बाल आंखों में आ गए, सब बाल भी गंदे हो गए। मुझे तो खैर रिएक्शन करता, मैं जाके अभी धोऊंगी, पहले चाय बना दूं और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी क्योंकि अभी बड़ी हल्दी होना बाकी है। वैसे मैंने येलो कलर का सूट डाला हुआ है लेकिन इसके ऊपर दुपट्टा ये डाल के मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरा नया दुपट्टा खराब हो गया। सो गाइज, शादी तो मंडपम से ही थी बट यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन करवा दी थी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, इस वजह से थोड़ा सा डेकोरेशन थी, ज़्यादा नहीं थी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, और मंडपम थोड़ी सी दूरी पे भी था, काफ़ी यहाँ से ऊपर तक का ना थोड़ा बुआ का रहता है, थोड़ी दूरी पर रहता है, तो इसलिए इस तरीके से करवाया था। एंड ये देखो मज़े कर रहे हैं, अपने बैठे हैं, इनको पता है कि अभी दूसरी बार हल्दी खिलनी है तो फिर यहीं बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, बाकी मैं तो नहा के जा रही हूँ वहाँ पे। सो चलिए हम अब चलते हैं 5वीं हल्दी के लिए। विश्व देखो, चलो लगा देखो चले तो लगा चुप रहते उल्टा चला रही बेटा, पैर से सुन बनने चढ़ा। अच्छा जो उतर रहा हम भी ठीक है। अच्छा तुम भी तो बना रही थी, बजाओ के दो, बजाओ के दो, कहियो बजाओ आखिरी चल रहा है।
आ जाओ सो गाइस, आपने जो ब्लॉग देखा वो है जब हम लोग दमोह गए थे कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। इनके दोस्त की शादी थी और वैशाली की शादी थी और उसी के लिए हम लोग गए थे। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं अच्छी बरसात में शेयर करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे कि बरसात में कौन शादी करता है। और वो ब्लॉग मैंने तब इसलिए नहीं डाले क्योंकि लव स्टोरी के पार्ट्स जा रहे थे, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार अभी डालना चाहिए, आप लोग देखोगे आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो अचानक जाना हुआ था हमारा ससुराल में, और फिर वहाँ के मैंने ससुराल के कोई ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए गए थे, तो वो 2-3 दिन कैसे निकल गए थे पता ही नहीं चला था। बाकी एंजॉय तो किया हम लोग, हाँ एंजॉय किया था। हल्दी में बड़ी हल्दी थी तो वो भी एंजॉय किया था, और फिर शादी वाले दिन तो देखो लड़की की शादी में तो थोड़ा तकलीफ होती है, इनके दोस्त की शादी में खूब एंजॉय किया था। और इनकी दोस्त की शादी का ब्लॉग भी है हमारे पास, तो हम वो भी अपलोड करेंगे जल्द ही। काफ़ी अच्छी शादी हुई थी और काफ़ी ग्रैंड शादी थी, और साथ में कौन से होटल से हुई थी बाबू? रुद्राक्ष होटल से हुई थी। छतरपुर में इस टाइम पे रुद्राक्ष होटल चल भी रहा है बहुत ज़्यादा। सो वो ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट करके। और बाकी सब कैसा चल रहा है? यहाँ तो बहुत बारिश होने लग गई है, 2-3 दिन से ऐसा लगातार हो रहा है कि 2-3 दिन लगातार से बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को वही बता रही थी, बाकी आप लोगों में से काफी सारे लोग डिस्टर्ब भी हो जाएंगे कि हम अभी ससुराल गए हैं और निशिका के स्कूल चल रहे हैं, तो हम अभी नहीं गए हैं, हम अभी यहीं पे हैं। और मिसिका के स्कूल के बारे में भी कई लोग पूछ रहे थे, तो वैसे मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेती हूँ 1-2 मिनट का, लेकिन शायद आप लोग स्किप करते होंगे इसलिए आपको नहीं पता मिसिका का स्कूल कैसा चल रहा है। आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि मिस बहुत ही अच्छा चल रहा है, मिसिका बहुत इंजॉय करती है अपने स्कूल जाने के टाइम पे, बिल्कुल भी रोती नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, और रहती है, बढ़िया एंजॉय करती है, एंजॉय करती है। और जब आती है तो बताती है मम्मा मुझे स्टार मिला, उसको स्टार देते हैं उनके टीचर, तो वो स्टार दिखाते हुए आती है, मम्मा मुझे आज फिर स्टार मिला, मम्मा मुझे आज फिर स्टार मिला, और काफी अच्छे से रह रही है, आज तक नहीं रोई। एक हफ्ता हो गया मिशिका को जाते जाते स्कूल, अभी तक स्कूल से इतनी सी भी शिकायत नहीं आई कि मिशिका परेशान करती है या कुछ करती है। और काफी अच्छा उसका स्कूल भी है वैसे। अभी तो पता क्या होता है, हर दिन किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो कहती है मैं तो पार्टी करके भी आई हूँ स्कूल में, मम्मा ये अच्छा है आपने अच्छे स्कूल में डाला, वहां पार्टी भी होती है। सो उसका स्कूल वास्तव में बहुत अच्छा है और स्कूल उसका बहुत अच्छा जा भी रहा है। सो आप लोगों की ये भी, और आप लोगों का ये भी था कि मिशिका को ज्यादा वीडियो में लाया कीजिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिशिका को ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ही इंटरेस्ट है, उसको वीडियोस वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है, ये जानते हैं। मेरा जो पुराना वाला फोन है ना उसका पूरा कैमरा भर रहा है उसकी ब्लॉगिंग से, ठीक है। तो अपने अकेले अकेले ही ब्लॉगिंग करती रहती है, देखो गाइस मैं ये कर रही हूँ, देखो गाइस मैं वो कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं भी उसे उस चीज के लिए बोलूँ कि हाँ ठीक है तुम करो, क्योंकि अभी हम दोनों का ये डिसीजन है कि अभी हमें उन्हें यहाँ वहाँ ध्यान नहीं बंटवाना उनका, अभी हमें सिर्फ ध्यान बंटवाना है उनका कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और उसे काफी अच्छा, वो क्या क्या करती है बाबू तुम ही बता दो। लेगी से ड्रेस बना लेगी, कभी वो हेयर स्टाइल बनाएगी डिफरेंट डिफरेंट वे में, और हेयर बैंड को कितने तरीके से वो यूज करती है। लेगी को दोनों हाथ उसके पैर वाले जो होते ना वो ऐसे पहना के वो पीछे से ऐसे कर लेती है आगे, एक नॉट बांध के पता नहीं अजीब तरीके ड्रेस बनाती है, और फैंसी डिजाइनर टाइप की होती है।
फैशन डिजाइनर फैशन डिजाइनिंग वाला काम करती है। और ऊपर से पता है क्या बोलती रहती, मम्मी आज ना आप मुझे ये ला देना, मतलब कुछ नेक ला देना, ऐसा कर देना, मैं ऐसे करके ऐसे ड्रेस बनाऊंगी। तो अभी ऑलरेडी उसका इतना इंटरेस्ट है ना इन चीजों में कि हम नहीं चाह रहे हैं कि अभी वो इन चीजों में घुसे, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर हमने सच में उन्हें उस साइड जाने दिया तो वो पूरी तरह से उधर जाएंगे, फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी। उसके बाद अभी जैसे स्कूल जाने लगेगी, अगर उसकी स्टडी अच्छी होगी तो फिर हमारा डिसीजन ये भी है कि आगे जाके हम उसे मतलब जुलाई की कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जुलाई के बाद हम लोगों ने सोचा है कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब वो पढ़ाई करेगी और फिर भी उसके पास टाइम बचा करेगा तो उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है लाइक डांस में या फैशन में या जिस चीज में भी, तो थोड़ा बहुत हम उसे वो भी करने देंगे। बट फिलहाल अभी का यही है कि अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी स्कूल जाना स्टार्ट की है, स्टडी में अच्छी है, टच वुड उसे सारी चीजें मतलब दिमाग में एक बार अगर घुस गई तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, पीछे पड़ जाती है, ये चीज कैसी है, कहाँ से आई, कैसे है। तो वैसे ही पढ़ाई के लिए जब दिमाग तेज है तो वो तो हर चीज के लिए तेज होगा ना। उनको बता दूं ये दमों में जाते ही साथ बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, मेरे पे कोई ध्यान नहीं रहता इनका, बस ये चाचा वो भैया ये वो ये फलाने वो ढिमकाने ऐसे करके, ये अगर मैं महीने भर भी रहूं तो कोई ध्यान नहीं रहता। अरे आप गए हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, थोड़ा एंजॉय करें, सबसे हाँ मिलें। मेरी और इनकी लड़ाई हो जाएगी तो इन्हें मनाने का भी होश नहीं रहता, क्योंकि इनको ये अपनी में मस्त रहते हैं, इनको क्या करना कि मान रही है नहीं मान रही। और हम भी इतने बड़े वाले हैं, हमारे पास कौन ही होता है वहां बात करने के लिए, पापा से हम लिमिटेड ही बात करते, यही रहते तो इनसे भी हम फिर हम गुस्से ही नहीं रहते। सुबह हमारी अगर लड़ाई हुई तो शाम को हम मान जाते हैं अपने आप, इन्हें मनाने का भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वहां पे ज्यादातर हम इन्हें मनाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पापा को पता चले कि भाई साहब का मूड खराब है, क्योंकि इनका मूड खराब रहता है तो पापा को पहले पता चल जाता है। चलिए गाइस ठीक है, मिलते हैं आप इसी के साथ, इस ब्लॉग का हम करते हैं एंड, हम मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कल के वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।